Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो रीजनिंग में आज उसके आगे बढ़ेंगे और पासा हम लोग पढ़ रहे हैं, डाइस पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पीडीएफ जो है पिछले वीडियो में दे दिया था उसका, और आज हमने जो है उसका जो पीडीएफ मैंने दिया था उसका सवाल जो है बताऊंगा। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से। गुड इवनिंग मोहित, पंकज, सुरेश, सुनील, अजय, दीपक, गुड इवनिंग। तो कल जो है आपकी क्लास नहीं चली थी, थोड़ा मुझे काम था, मैं बाहर चला गया था, तो इसलिए जो है कल क्लास नहीं चली थी। पंकज, आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। डेली आपकी 4 बजे क्लास चलती है और आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि इसको जो है कम से कम 10 ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगर अभी कोई डांस वाला वीडियो होता तो उसको आप जरूर शेयर कर दें, तो इसको भी आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। आज हम लोग सवाल पर डिस्कस करेंगे और सिर्फ आप 2 चीज़ याद रखिए बस, कि अगर अगर हमको पासा दिया गया है तो पासे में 2 चीज़ आप याद रखिए कि कभी भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेगी। मतलब अगर भी कह दिया जाए 4 का विपरीत 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पासा रहेगा उसमें कभी 4 और 5 इकट्ठा नहीं दिखेगा, और कभी 4 और 5 इकट्ठा छिपेगा भी नहीं। ठीक, याद रखिएगा, 4 और 5 कभी इकट्ठा दिखेगा नहीं और 4 और 5 कभी छिपेगा नहीं। मतलब कि इस 2 में से कोई एक संख्या जरूर रहेगी। ठीक, तो जैसे कि आज हम पहले समझते हैं, तो पीडीएफ आपको दिया था तो मैं सवाल जो है आपको बता रहा हूं। सवाल आपका यहां पे लगेगा, सवाल आपका यहां पे लगा दिया जा रहा है, आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है 3, 1, 2 और 5, 3, 4। पहला क्वेश्चन आपका यही है, इसमें कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है 3 के विपरीत बताइए। तो बिना कलम देखे अगर मैं बता दूं तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 3 के विपरीत 6 होगा। बिना कलम उठाए, बिना कलम उठाए मैंने बता दिया 3 के विपरीत 6 होगा, यही आंसर होगा। तो कैसे हमने किया पहले यह समझ लीजिए। तो याद रखिए कि अगर आपको एक संख्या कॉमन मिल जाए, मतलब एक संख्या आपको अगर कॉमन मिल जाए, तो सिर्फ यही देखिए कि कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, जो संख्या नहीं दिखेगी वही जो है इसका विपरीत हो जाएगा। तो देख रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा, अतः 3 के विपरीत 6 हो जाएगा आंसर। ठीक, लेकिन हम लगाएंगे कैसे? अगर मैं नोट्स बना रहा हूं तो नोट्स में कैसे लगाऊंगा, ऐसे थोड़ी लिखूंगा 6 आंसर। तो उसमें के लिए जो है देखिए, आप जो कॉमन संख्या है उसी को लेकर के क्लॉकवाइज चले चलेंगे, यानी 3, 1, 2 और यहां पे चलेंगे 3, 4, 5, फिर देख लीजिए कौन सी संख्या नहीं दिख रही। 6 नहीं दिख रही, इसका मतलब 6 यहां पे हो जाएगा। तो देख लिए 3 के विपरीत 6 हो गया, 1 के विपरीत 4 हो गया और 2 के विपरीत 5 हो गया, यही आ गया हमारा आंसर। कुछ बताने के लिए नहीं, इस 5 क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये 5 क्वेश्चन आसान है। इसके बाद जब हम बताएंगे तो थोड़ा कठिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे दूसरा देखिए, दूसरा लिखा हुआ है 3, 1, 2 और 6, 2, 4, यहीं पे आपका है 6, 2 और 4। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिए, अब इसमें क्या देख रहे हैं, अगर अभी डायरेक्ट आंसर बताना हो तो हम देखिए 2 कॉमन है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 6, 5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, तो इसके लिए आप देखिए कॉमन हमारा क्या है, 2 था, तो 2 लेकर के घड़ी की दिशा में घूम जाइए, यहां भी 2 लेकर के घड़ी की दिशा में घूमिए, अर्थात 2, 3, 1 और यहां पे 2, 4, 6, इसमें क्या नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा, इसका मतलब 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो इसमें तो कुछ नहीं है, जो आपका सवाल है ये तो साधारण प्रश्न थे। जैसे अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में,
पांच दो तीन एक चार पांच, ठीक, पांच दो तीन एक चार पांच और चार विकल्प दिए गए हैं। ठीक, लिखा है छह चार पांच और तीन एक दो, फिर पांच तीन चार, फिर एक छह चार। देखिए इसमें हमको ये बताना है कि निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो सही है। ठीक, तो हमको ये बताना है कौन सा ऐसा है जो सही है। तो अगर आपको इस तरह के प्रश्न मिल जाए तो सिर्फ एक काम कीजिए कि पहले देख लीजिए किसका विपरीत क्या होगा। तो चलिए देखिए इसमें कौन सी कॉमन ट्रिक लगेगी। तो देख रहा हूं वन कॉमन है, अर्थात वन कॉमन ट्रिक लगेगी, घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, ये हो जाएगा पांच दो तीन, इसमें घूमेंगे तो, और इसमें घूमेंगे तो पांच एक चार। हमको दिख क्या रहा है, एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, तीन दिख रहा है, चार दिख रहा है, पांच दिख रहा है, छह नहीं दिख रहा। इसका मतलब छह यहां हो जाएगा, यानी पांच के विपरीत छह, दो के विपरीत एक और तीन के विपरीत चार। अब देखिए अब हमको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि जो संख्या विपरीत है वो एक साथ ना तो छुप सकती है और ना ही एक साथ आ सकती है, मतलब कि ये दोनों कभी गायब नहीं होंगी और ये दोनों कभी सामने नहीं दिखेगी, मतलब कि कम से कम केवल एक ही सामने दिखेगी। इस दो में कोई एक सामने रहेगा, इस दो में कोई एक सामने रहेगा, इस दो में कोई एक सामने रहेगा। चलिए हम एक नंबर पे चले कि इसमें देख रहे हैं पांच और छह दोनों संख्या आ गई और मैंने कहा कि दोनों संख्या नहीं आनी चाहिए, गलत हो गया। इसमें देखिए इसमें देख रहे हैं तो एक तीन दो, एक तीन दो, यानी कि एक और दो दोनों साथ आ गया था। मैंने बताया कि विपरीत संख्या कभी दोनों साथ नहीं दिखेगी। इसमें देखिए इसमें देखिए इसको देखिए पहले तो इसमें देखेंगे तो छह चार एक और यहाँ पे पांच चार तीन, तो देख रहे हैं तीन और चार विपरीत है, अर्थात ये दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो अर्थात सही क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये चीज है, सिर्फ केवल एक कॉन्सेप्ट है कि जो विपरीत सतह होगी वो दोनों एक साथ छिपेगी नहीं और जो दोनों विपरीत संख्या होगी उसमें से कोई एक हमेशा दिखेगा। ठीक, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर चार का आंसर आप लोग बताइए जल्दी, क्वेश्चन नंबर चार का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर चार का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। पंकज, मोहित, सुरेश, सुनील, रौनक, आशीष, दिनेश, सही है, आप सबका जवाब सही है। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छह जो है, क्वेश्चन नंबर छह में हमारा लिखा हुआ है, लिखा है हैज स्टार डॉलर और हैज परसेंट एट द रेट। तो प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा डॉलर है डॉलर के विपरीत क्या होगा। इसमें देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, वन कॉमन ट्रिक लग रही है, अर्थात घड़ी की दिशा में घूम जाइए, ये हो जाएगा आपका हैज स्टार डॉलर, यहां पे जब चलेंगे तो हैज परसेंट और एट द रेट। पूछ रहा है डॉलर का विपरीत क्या होगा, तो डॉलर का विपरीत हो जाएगा एट द रेट, यही आ जाएगा हमारा आंसर। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर छह। अब देखिए अभी तक तो हमको इस तरह याद करना रहता था, अब हमको तीन फिगर दिया गया है, तीन फिगर दिया गया है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और मैंने यहाँ पर भी लिखा है। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं कि अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या होगा, उसी तरह यहाँ यहाँ सिर्फ केवल एक कॉन्सेप्ट, क्या कि जो विपरीत सतह है दोनों एक साथ छिपेगी नहीं और दोनों एक साथ दिखेगी नहीं। ठीक, केवल यही कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखिए यहां पे भरना है तो जिसमें भरना है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, जो दोनों दिया गया है वहां से देखिए, देख रहे हैं कि इसमें दोनों में छह कॉमन है, छह इसमें भी है, छह इसमें भी है, तो जो कॉमन है उसी की दिशा में आप चले चलिए घड़ी की दिशा में, अर्थात छह एक दो और यहां पे चलेंगे तो छह चार
पांच। फिर देखिए एक चार दो पांच से क्या क्या दिख रहा है, एक दो तीन नहीं दिख रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा तीन। इसका मतलब यह हुआ कि छह के विपरीत तीन, एक के विपरीत चार और पांच के विपरीत दो। अब देखिए हमको क्या दिख रहा है, हमको हमने कहा कि दोनों सतह कभी छिप नहीं सकती और दोनों सतह कभी टिक नहीं सकती। तो चलिए तीन लिखा है, तीन लिख दिया गया है अर्थात अब छह नहीं लिखा जाएगा। चार लिखा है, चार लिख दिया गया है इसलिए एक नहीं लिखा जाएगा। अब यहां पे क्या भरा जाएगा, या तो पांच भरा जाएगा या तो दो भरा जाएगा। ठीक, देख रहे हैं कि नीचे वाली संख्या लिखी जा रही है, तो अगर नीचे वाली संख्या लिखी जा रही है तो यहां भी नीचे वाली संख्या लिखी जाएगी अर्थात पांच हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं। ठीक, समझ में आ गया पंकज, मुकेश, सुनील, आशीष, दिलीप, मोहित। ठीक है, आगे देखिए जैसे कि ये दिख रहा है, इसमें भी देखिए तो हमको क्या कॉमन दिख रहा है, चार इसमें भी है, चार इसमें भी है, एक संख्या कॉमन मिल गई। तो जो संख्या कॉमन मिलेगी घड़ी की दिशा में आप घूम जाइए अर्थात चार पांच छह, और यहां पे चलेंगे तो चार तीन दो। तो क्या दिख रहा है, दो तीन चार पांच छह सब कुछ दिख रहा है, केवल एक नहीं दिख रहा है, एक यहां आ जाएगा। अब देखिए इसका मतलब एक और चार कभी साथ नहीं दिखेंगे, पांच और तीन कभी साथ नहीं दिखेंगे, छह और दो कभी साथ नहीं दिखेंगे। देख रहे हैं दो यहां लिखा है, दो लिखा है तो छह नहीं आएगा अर्थात ये खत्म। एक लिखा है, एक लिखा है तो चार नहीं आएगा अर्थात ये खत्म। अब पांच या तीन में से कुछ लिखना है तो देख रहे हैं दो लिखा है, एक लिखा है, अर्थात कौन सा लिखा जाएगा, तीन लिखा जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा, यही हमारा आंसर। कहीं समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि अब इसमें देखिए कॉमन क्या है हमारा, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, एक कॉमन मिल गया, घड़ी दिशा में घूम जाइए, घड़ी दिशा में घूम जाइए अर्थात दो तीन एक, और यहां करेंगे तो दो चार छह। तो देख क्या रहे, एक दो तीन चार सब कुछ लिखा है केवल पांच नहीं लिखा। तो चार लिखा है, चार लिखा है तो अर्थात तीन नहीं लिखा जाएगा। दो लिखा है, दो लिखा है तो अर्थात पांच नहीं लिखा जाएगा। अब यहां पे क्या लिखा जाएगा, या तो एक लिखा जाएगा और या तो छह लिखा जाएगा, या तो एक लिखा जाएगा या तो छह लिखा जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दो चार अगर हम यहाँ छह लिख दे तो ये दोनों हमारा समान हो जाएगा, था दो के बाद छह नहीं आना चाहिए, उल्टा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक। क्यों एक हुआ समझ में आया भाई, हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे छह लिख दें, अगर हम यहाँ पे छह लिख दें तो देख रहे हैं दो के बाद छह आ रहा है, और लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो पांच दो चार छह अर्थात दो के बाद छह आ रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर लिखेंगे तो दो चार छह लिखा जाएगा, और यहाँ पे अगर लिखेंगे तो दो छह चार लिखा जाएगा। तो देख रहे हैं कि दोनों का उल्टा संबंध हो गया, इसीलिए यहाँ छह नहीं क्या लिखा जाएगा, एक लिखा जाएगा। ठीक, कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूं। ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग जो है करके ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक, तो ये आपका होमवर्क है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है दसवां ग्यारहवां बारहवां तेरहवां चौदहवां, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर ये सही ना दिख रहा हो तो आप उसमें से देख लीजिएगा। तो देखिए हमको जो है जो दसवां क्वेश्चन है हमारा, यही क्वेश्चन मार्क जहां पे हमको रखना है। तो जैसे मैंने अभी तक नौ क्वेश्चन बताए, सेम टू सेम उसी तरह आपका दसवां और ग्यारहवां है, ये दोनों आप जो है होमवर्क आपका तीन मैंने बताया, नौवां दसवां ग्यारहवां, इस तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप कमेंट में आंसर नहीं देते हैं तो मैं समझ लूंगा कि आप लोग जो है हमारी क्लास नहीं देख रहे हैं। अगर क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए कि सर जो है ये कमी है या क्या है, उसको आप बताइए तो उसका जो है सही किया जाएगा। ठीक, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, और अगर वीडियो देखा कीजिए तो लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए हम देखते हैं आज ग्यारहवें बारहवें क्वेश्चन से, इसमें हमको दो चीज निकालना है। ठीक, इसमें देख रहे हैं दो का मतलब भरना है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देख रहे हैं, लिखा है ए बी सी ए सी डी, दो चीज हमको कॉमन दिख रहा है, क्या ए सी ए सी कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो चीज कॉमन है तो जो तीसरा बचा वो एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात बी के विपरीत डी होगा। और हमने अभी अभी कहा कि अगर B के विपरीत D है तो दोनों कभी एक साथ छुपेंगे नहीं और दोनों कभी एक साथ दिखेंगे नहीं। तो चलिए हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर A हमारा देखते ही गलत हो गया, क्योंकि दोनों एक साथ आ गए हैं।
ना तो दोनों एक साथ दिखेंगे और ना तो दोनों एक साथ छिपेंगे। तो यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ पे बी भी नहीं लिखा, डी भी नहीं लिखा, अर्थात इस दो में से कोई एक जरूर होगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ देख रहे हैं बी और डी दोनों नहीं है, ये भी गलत। यहाँ देख रहे हैं बी और डी दोनों नहीं है, ये भी गलत, अर्थात हमारा सही क्या हो जाएगा, बी और केवल एक कॉन्सेप्ट इसमें याद रखिए। अगर दो मतलब भरना है तो उसमें केवल एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जो विपरीत सतह है वही निकाल लीजिए, दोनों कभी एक साथ छिपेगी नहीं, दो में से कोई एक जरूर आएगी। अगला देखिए, यहाँ पे लिखा है एक दो तीन और चार तीन दो, देख रहा हूं दो तीन कॉमन है, अर्थात एक और चार, इसका मतलब 13 नंबर में हम देख रहे हैं कि एक का विपरीत चार होगा, इसका मतलब एक और चार दोनों कभी एक साथ छिप नहीं सकते और दोनों कभी एक साथ दिख नहीं सकते। तो चलिए ऑप्शन में चलते हैं, पहला ऑप्शन एक और चार दोनों दिख रहा है गलत, दूसरा ऑप्शन एक और दो इसको भी छोड़ते हैं, तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं दो और तीन तो इसमें भी एक और चार दोनों नहीं दिख रहा था गलत, इसका चौथा इसमें भी देख रहे हैं एक और तीन दोनों नहीं लिखा गलत, अर्थात हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। केवल ऐसे प्रश्नों में केवल आप ऑप्शन पे जाएंगे, आंसर आपको मिल जाएगा, कोई कठिन प्रश्न इसमें नहीं है। जैसे अगला देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है देखिए, लिखा है ए बी सी ए सी एफ, तो देख रहे हैं ए सी ए सी अर्थात एफ और डी, इसका मतलब D का अपोजिट जो होगा यह होगा, और ये दोनों कभी एक साथ छिपेंगे नहीं और ये दोनों एक साथ कभी दिखेंगे नहीं, इसका ऑप्शन हमने नहीं लिखा। 14 नंबर में जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन क्या है देख लीजिए, ऑप्शन कह रहा है ई ए एफ सी, ई ए एफ सी और ई एफ बी एफ, ई एफ और बी एफ, तो देख रहे हैं डी और यफ, इसका मतलब कि डी और यफ ये दोनों एक साथ कभी छिपेंगे नहीं और ये दोनों एक साथ कभी दिखेंगे नहीं, तो देख रहे हैं डी और यफ इसमें नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है गलत, इसमें भी दोनों में से कोई नहीं है गलत। तो अब यहां पे देख रहे हैं, यहां पे ई यफ लिखा हुआ है और यहां पे बी यफ लिखा हुआ है, तो देख रहे हैं एक तो आना चाहिए, तो यफ इसमें भी है यफ इसमें भी है, सही है। अब यहां पे देख रहे हैं डी, यहां पे ऑलरेडी डी लिखा हुआ है, तो अगर डी यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना डी लिखा है, तो डी लिखा है इसका मतलब कि अब यफ नहीं रहेगा, यहां पे अब यफ नहीं रहेगा, तो चलिए देखिए इसमें यफ है अर्थात ये नहीं होगा, इसमें यफ है अर्थात ये नहीं होगा, इसमें यफ है अर्थात ये नहीं होगा, तो हमारा सही क्या होगा, ये होगा। ठीक, चूंकि मैंने कहा कि ये दोनों कभी एक साथ दिखेंगे नहीं और दोनों एक साथ छिपेंगे नहीं, तो यहां पे हम देख रहे हैं डी लिखा हुआ है, अगर डी ऑलरेडी लिखा जा चुका है कि यफ नहीं होगा, तो देख रहे हैं इसमें भी यफ है, इसमें भी यफ है, इसमें भी यफ है, तो ये तीनों आगे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, अर्थात सही क्या हो जाएगा, ई ए, यही हमारा सही हो जाएगा। जैसे आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि ऐसे हमको दिया गया है, निकालना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक, तो हमने बताया जैसा कि इसको तो आप लोग खुद कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, केवल एक चीज आप देखिए इसमें देख रहे हैं, टू कॉमन है, तो टू कॉमन है तो इसमें इसका मतलब क्या होगा, तीन के विपरीत छह होगा, इसका मतलब तीन और छह कभी दोनों साथ छिपेंगे नहीं और तीन और छह कभी दोनों साथ दिखेंगे नहीं, इसमें देख रहे हैं ना तो तीन दिख रहा है ना तो छह दिख रहा है, अर्थात गलत हो गया, इसमें देख रहे हैं ना तो तीन दिख रहा है ना तो छह दिख रहा है, गलत हो गया, इसमें देख रहे हैं तीन और छह दोनों दिख रहा है, गलत हो गया, अर्थात हमारा सही क्या हो जाएगा, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा जो बंद पासे का प्रश्न था, सभी प्रश्न हमने डिस्कस कर दिया है, आपको पीडीएफ जो है आपको दे दी गई है प्रैक्टिस की, आप वहां से प्रैक्टिस कीजिए, फिर जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप हमारे ग्रुप पर भेजिए, नीचे नंबर दिख रहा होगा आपका, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको पीडीएफ देंगे इसकी, उसके बाद जो आपका डाउट होगा वो भी वहां पे सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक, तो इसलिए जो है आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपना चैनल है, अपना परिवार है और हम लोग सब लोग मिल करके पढ़ाई करेंगे और इस बार जो है जॉब लेनी है, जैसे कि आप थंबनेल में देखे होंगे टारगेट जॉब 2022 मतलब 2022 तक जॉब किसी भी हाल में ले लेनी है। ठीक, तो इसलिए जो है आप लोग बने रहिए और कल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे खुला हुआ पासा, और कल आपका पासा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।